नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जैद अहमद और लोकतंत्र न्यूज़ पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां सीएम की कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक में कई तरह के महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सबसे बड़ा निर्णय है कि पहली से बारहवीं तक क्लासों को पूरी तरह बंद कर दिया गया है, यानी ऑफलाइन पढ़ाई को पूरी तरह बंद कर दिया गया है, अब सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई होगी। 31 जनवरी तक कक्षाओं को बंद करने का महत्वपूर्ण निर्णय समीक्षा बैठक में लिया गया है। इसके साथ जो 20 जनवरी से प्री बोर्ड एग्जाम होना था वो टेक होम होंगे, यानी प्रश्न पत्रों को घर से ही हल करना होगा। इसी के साथ जो भी राजनीतिक और बड़े मेले हैं, इस पर भी रोक लगाई गई है। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू पूरी तरह जारी रहेगा। समीक्षा बैठक में बड़े निर्णय लिए गए हैं। सीएम ने कहा है कि कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाएं। इस वक्त बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां कोरोना को लेकर सीएम की समीक्षा बैठक में कई तरह के महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी ब्रेकिंग यह है कि पहली से बारहवीं तक सभी स्कूलों को 31 जनवरी तक बंद कर दिया गया है और ऑनलाइन पढ़ाई होगी, यानी ऑफलाइन पढ़ाई पूरी तरह 31 जनवरी तक बंद रहेगी। वहीं जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम है वो टेक होम होंगे, यानी प्रश्न पेपर घर से हल करना होंगे। इसी के साथ कोई भी कार्यक्रम हाल की क्षमता से 50% से अधिक लोग नहीं होंगे और कोई भी कार्यक्रम में 250 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। इसी के साथ नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं मेले, राजनीतिक रैलियों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। सीएम ने संक्रमण को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने की अपील करी है। वर्तमान जो परिस्थितियां उनको देखते हुए, एक तो हम आज कल से ये तय कर रहे हैं कि कक्षा एक से लेके कक्षा 12 तक के सभी स्कूल, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, 31 जनवरी तक अभी बंद रहेंगे। इन परिस्थितियों में 50% क्षमता पे हम स्कूल चला रहे थे, लेकिन इस समय जो सुझाव आए हैं और लगता है कि उपयुक्त होगा कि अभी हम फिलहाल 31 जनवरी तक बंद करें, फिर परिस्थितियां हम देखेंगे, उन परिस्थितियों के हिसाब से फिर आगे हम फैसला करेंगे। तो कल 15 जनवरी से 31 जनवरी तक हमारे स्कूल बंद रहेंगे और इसी प्रकार सभी प्रकार के मेले, चाहे वो वाणिज्यिक मेले हो या धार्मिक मेले हो, मैं स्नान बंद करने की बात नहीं कर रहा, मकर संक्रांति का पर्व में स्नान करने जा रहे हैं, धार्मिक स्थल भी खुले रहेंगे, लेकिन मेले नहीं लगेंगे, चाहे वाणिज्यिक हो चाहे धार्मिक हो, इसका पालन कल से सुनिश्चित हो जाए। कोई भी जुलूस और रैली, राजनीतिक या सामाजिक सभा, वो भी प्रतिबंधित रहेगी।